ला बलि बेटा, इस शुभ काम तू अपन हाथ से करा। पूर्णिमा कैसन जुल्म भइल बा तोरे साथ, वो भी ओ देश में जहां नारी के देवी की तरह पूजल जाला। आखिर ये अन्याय और अत्याचार कब तक होई? हम उ तीनों लोग के जिंदा नहीं छोड़ब। जो तोहरे साथे भइल उहे उन तीनों लोग के साथ भी होई। ना रमेश, तू ऐसा कुछ ना करबा। हम उनकरा के ऐसन मौत देव जौन कबो क्यों सोच लेना होई। ना रमेश, अगर तू हमारे कातिल के मार देबा तो तोहरों के फांसी हो जाये और उनके गुनाह साबित ना हो पाई। काहे कि उनके गुनाह के गवाह हम हैं, सिर्फ हम। और एगो बेजान लाश, एक गवाह, एक सबूत ना हो सकेले। का तू अपन कातिल लोग के यही तरह जाए देबू? अगर हमके फांसी होता तो हो जायदा। जे दुनिया में तू ना रहबू वो दुनिया में हम रह के का करब? ना रमेश, तारा के जिंदा रहे क्योंकि हमरा खातिर हम तारा पास ऐसे आयल बानी की अब जब हम ये दुनिया में नहीं की, हमार माँ बाप बेसहारा हो गए बड़े, तारा के उनके संभाले क्योंकि। और फिर और तो ई मत समझा कि हमार कातिल क्यों और मासूम लड़की के जान लेवे खातिर जिंदा रही है, उनकर बदला हम ले, उनके गुनाह की सजा हम दे, और वह तुम्हारे मदद से। मगर कैसे? कहानी ना हम तहरा मदद से। का तू हमार मदद ना करब? करब, हमेशा करब। तो जौन हम कहते नहीं सुना। भगवान, कितना अरमान रहा हमर कि हमरे घर में बहू आई, फिर वो माँ बनी, पोता पोती हुई, लेकिन सारा अरमान हमर रह गई। बेनी प्रसाद जी, रउआ ऐसन समय पे आयल बानी कि मनसा राम जी हम सही समय पर आयल हैं। हम राउर दुख में शामिल होए खातिर आयल हैं। देखिए मनसा राम जी, इससे पहले भी हम रवा की यह कहले रहे कि जौन हो गए ओकरा के भूले के कोशिश करी, एमे राउर कौने दोष नहीं खे और रवा के शर्मिंदा होके की जरूरत भी नहीं खे। मनसा राम जी, हम एक दोस्त होके के नाते राउर पास एगो प्रस्ताव लेके आए हैं। कैसन प्रस्ताव? रवा हमार बेटी तारा के अपन घर के बहू बना ली। जी? बेनी प्रसाद जी, ये तो बहुत बहुत मेहरबानी बाप के। देखिए मनसा राम जी, हम जाने ले कि रहुआ शरीफ खानदान के लोग हैं और हमरा के विश्वास आ कि हमर बेटी राउर घर में बहुत खुश रही। यदि रवा के ऐतराज ना होके ता सगाई के रसम अदा कर दी। हम आपके कैसे इनकार कर सकीला? रवा अंधा के लाठी बनकर आयल हैं। काहे संतोष? ओम
स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। सगाई के समय हो गए बा, लड़की के बुलाई। बस पंडित जी अब ही आते हुई। बधाई हो के मनसाराम जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बेनी प्रसाद जी, बधाई हो। तनी हमरा साथे आई प्लीज। देखिए मनसाराम जी, अब वो लड़की से जल्दी से तलाक करवा दी और हमार बेटे के साथ शादी के मुहूर्त निकाली। जी बेनी प्रसाद जी, रउआ बहुत बड़ा लाज से हमके मुक्ति दिला देनी। अब छोड़ी ये सब बात के और शादी के तैयारी करी। और हाँ, हम अपन पांचों बेटी के शादी के इंतजाम पहले से करके ही रख ले हाई। हर बेटी के दहेज के अलावा 10 लाख रुपया नगद। ना 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 बेनी प्रसाद जी, हमके ना रुपया चाहिए ना दहेज चाहिए। हमके तो बस ऐसा एक बहू चाहत रहल जे हमार घर के इज्जत बनाए रखी और हमार बेटा के जिंदगी खुशी से भर दे। जी मनसाराम जी, रवा जैसे चाहत है ना, बस वैसे ही होई। जी देखलू संतोष, के तरह से हम हालात के अपन पक्ष में कर लेनी। पूर्णिमा से छुटकारा और बेनी प्रसाद की बेटी तारा से रिश्ता। न हिंग लगल न फिटकरी और रंग भैल चोखा। इतना सचमुच रहुआ कमाल कर देनी। अरे संतोष, एकरा के का भैल? अरे बली, तोहरा का भाई का तू ई रिश्ता से खुश नहीं खा? माई, हम रिश्ता से खुश बानी, पर बाबूजी ऐसा कहे गए हमरे समझ में नहीं आवत। हम का कर ली बेटा? बाबूजी हमरे समझ में नहीं आवत कि आप इस सगाई के झमेला काहे डाल दे रहे। अगर सीधे शादी होकत ना तो बहू भी घर में आवत और 10 लाख रुपया भी घर में आवत। बलिराम, यही से तू हमार बेटा हुआ और हम तुहार बाप। तुहार नजर सिर्फ 10 लाख पे बा और हमार नजर 50 लाख पे। अब तू उनका होए वाला दामाद हुआ और तुहार हर तकलीफ पर उनकर प्राण निकली। अब तोहरा पर निर्भर करता कि तू कितनी खूबसूरती से, कितना चालाकी से ओकरा के अपन जाल में फंसावेला। ये क्या हो गया जी? बलिराम, ये आग कैसे लगल? ये कैसे बनी? अरे आग कैसे लगल? हाँ, गिराओ जल्दी से। अरे अरे बुझावा, बुझावा बलि, एक रात बुझावा। अरे बुझावा मुझे, ये का हो खतबा? ये आग कैसे लगल? बलि बेटा पैर संभाल के। बलि बुझावा भाई। अरे अरे संभाला संतोष, संभाला अपन आपके, संभाला संतोष। पता नहीं सब का होत बा। रमेश,
हमके ये लोग पे इतना गुस्सा होता, मन करता अबे जला के भस्म कर दी। लेकिन का करी, मजबूर बानी। बाबूजी। रमेश, जो नाटक हमारा साथ शादी के बाद खेलल गई, वो इनका साथ अभी शुरू होता। और इन सबका कारण बा वो माँ बाप जे अपनी बेटिन के भेड़ बकरी समझे ले। ये बेनी प्रसाद बिना कोनो जांच पड़ताल कईले अपना बेटी के अंधा कुआं में कैसे झोंक रहल बा। तका ये लोग अपन चाल में कामयाब हो जाइए। हाँ, ये लोग बहुत चालाक बाड़े, बहुत दुष्ट बाड़े। लेकिन हमके रोके कोई ए लोग के, हमने की कुछ करे के होगी। आखिर कब? उनके पाप के घड़ा भर जाए तब। बलिराम बलिराम बलिराम, तू कैसन बात करत बाड़ा? बेटा, हम तो के अपन कारोबार शुरू करे के मना नहीं करत है। कारोबार में लोग अपन दोस्त से, रिश्तेदार से, बैंक से कर्ज लेला। लेकिन बेटा, ये तो नया नया रिश्तेदारी बा और उमन कर्ज ले ली। ना ना बेटा, ये ठीक बात ना बा। बेटा, वो लोगन का सोचिए हमारे बारे में? बाबूजी, हम कोनो भी क्या दान ना मांगता नहीं, कर्ज मांगता नहीं। और जैसे ही हमारा काम हो जाए, हम सारा पैसा वापस कर दे। ना 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 बलि, ना हो सकेला। बेटा, ये मनसा राम अपन आज तक केहू के आगे सर ना झुकेलस, सिवाय भगवान के। बेरी प्रसाद पहले हमार मित्र रहना और अब रिश्तेदार। अरे, एगो एहसान तो कैले बाणा हमरी पर, अपन बेटी ही घर में देके। अब दूसर एहसान के बोझ उठावे के हिम्मत ना बा बेटा हमरा में। अपन बाप के बात माना और ये ख्याल अपन दिल से निकाल दा बेटा। बेटा, ये पैसा के लेन देन बा, पैसा वो भी कम नहीं, पूरा 10 लाख। बाबूजी, आप हमार बात समझे के कोशिश। वाह मनसा राम जी, वाह। अरे बेनी प्रसाद जी, रहुआ। नमस्कार। नमस्कार बेटी। नमस्ते। जीता रहा बेटी, सुखी रहा, सुखी रहा। आई ना, आई बैठी, बैठी। बैठा हमनी बाद में, बाकी रहुआ से एगो शिकायत बा। कैसन शिकायत? मनसा राम जी, रवा सिर्फ मुंह देखल रिश्तेदारी निभावत है, दिल से ना। ये का कहता नहीं बेनी प्रसाद जी, हम का करनी? का कहली रवा, राहुल सारा बात सुन लेनी हम। जी जी मनसा राम जी, यदि हमार होखे वाला दामाद कौन व्यापार शुरू करे के चाहता और ओकरा कारोबार शुरू करे खातिर रुपया के जरूरत बा, का वो रुपया बाहर से ले? का रवा हमरा के एक काबिल भी ना समझ ली? ई का कहत नहीं बेनी प्रसाद जी, हम सच कहत है मनसा राम जी। अब ए घर में हमर बेटी भी तो आवे वाली बाना, और बेटी और दामाद में का फरक बा? जौन दामाद जी चाहत बाड़े वो सब हम देव, और रवा ए बीच में ना आए। बेटा बलिराम, हम काले 10 लाख के ड्राफ्ट बना के तोहरा के भेज देव। अब ओहिजा का देखत बाड़े? मनसा राम जी के कहे खातिर आप कुछ भी ना बचल बा, का है मनसा राम जी? अब हम का कह सके नी बेनी प्रसाद जी। अरे बेटे, हमके का देखत बड़ा, गोर लगा ससुर जी के, गोर लगा बेटा। अरे ना ना ना, खुश रहा। Thank you.
कथे आवत सामने आवा के हा के बाड़ू तू हम पूर्णिमा कवन पूर्णिमा हम वो आदमी के पत्नी है जकरा साथ तुहार शादी होखे वाली बा ओह तहार हिम्मत कैसे भइल यहाँ आवे के उस शरीफ लोगन के मुंह पर कालिक पोत गई चल गइल रहलू तूता फिर काहे आइल बाड़ू हमरा लगे उनके खिलाफ उल्टा सीधा कह के भड़कावे आइल बाड़ू ना ना हम तो तुहके ये बताए आइल बानी कि जोन हमरा साथ भइल तुहरा साथे ना होखे अच्छा तने हमहू तो जानी का भइल रहे तोरा साथे जोन हमरा साथ भइल उ केहू और के साथ ना होखे अब हम शरीर ना आत्मा है आत्मा हाँ यकीन है कि आवत तक छू के देखा हमरा के डेरा मत हम तोहरा के कुछ ना करब हम तो तोहर मदद करे खातिर आइल बानी तोहरा के ई बताए आइल बानी कि जोन हमरा साथ शादी के बाद भइल उ तोहरा साथ शादी से पहले ना होखे का मतलब है तहार उ लोग हमरे माई बाबूजी से भी वैसे ही पैसा ऐठले रहले जोन तरह से तोहरे बाबूजी से 10 लाख के मांग करत बाड़े शादी से पहले 10 लाख शादी के बाद और जब कोनो और बड़ी आसामी मिल जाए तब तोहरो भी हुए हाल होगी घर से भाग गए के इल्जाम और उकरा बाद आग के खेल पर हम तहार बात के